जय गुरु। दीक्षित मनुष्य भौतिक एवं आध्यात्मिक में राजपुत्र है। एक भक्त दीक्षा ग्रहण कर श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने आया है। श्री ठाकुर ने कहा कि तुम विराट हो जाओ, तुम्हें मनुष्य उपभोग करे। सियाल कुत्ते की तरह जीवन बिताने से क्या लाभ है? तुम्हारा प्रेम भक्ति इच्छा तो तुम्हारा ही है, इसी अनुसार तुम्हारा प्राप्ति होगा। तुम्हारी अपनी उन्नति के साथ तुम परिवेश की उन्नति की व्यवस्था नहीं करो तब तुम्हारी उन्नति मिथ्या है। तुम्हारी उन्नति सख्त एवं स्थायी नहीं होगी। अपने स्वार्थ की तरह ही परिवेश का स्वार्थ देखना होगा। अंतर में आकुति रहने से यह सभी होगा। आकुति लाता है शक्ति, जिससे कर्म फलित होता है और वास्तविक हो उठता है। मूल को पकड़कर ही कोई कार्य करना होगा। जिस कार्य से सब कुछ होता है वही काम करना है। मूल है दीक्षितों की संख्या बढ़ाना, यह करने से सब होगा। मनुष्य ही संपत्ति का उत्स है। इष्टानुराग का मंथन दंड से जितना करोगे उतना अमृतमय शक्ति एवं संवर्धना का आविर्भाव होगा। तुम लोग जानो या नहीं जानो, किंतु यह बात ठीक है कि तुम लोग एक एक प्रिंस या राजपुत्र बोथ मेटेरियली एंड स्पिरिचुअली भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में हो। परमपिता का नाम लेकर वास्तविक बनकर कार्य कर दिखाओ, दुख दरिद्रता भाग जाएगा। स्वर्ण फल तुम लोगों के हाथों के नज़दीकी है। जय गुरु। आलोचना प्रसंग नवम खंड पृष्ठ संख्या 23 13 जून 1947 से संग्रहित है।